नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर साहब के पास फनविल आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे मौसम के अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ जी, गर्मी का मौसम दरअसल इहदा सीजन जिहड़ा हैगा ना, इह 3 महीने हुंदा है। इह अप्रैल दे अध तों लै के मई जून जुलाई दे अध तक चलदा है। इहदे सीजन दे विच की हुंदा, गर्मी दे विच बीमारियां दा प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि गर्मी दे विच चूहे भी बिल्लियां दे अगे आ जांदे ने, क्योंकि अंदर इन्नी गर्मी ज़्यादा हुंदी है धरती अंदर ते घरां दे अंदर हरेक नूं बाहर निकलना पैंदा। इस करके जिहड़ी बीमारी ने नहीं आउणा वह भी गर्मी दे विच पैदा हो जांदी। पहली गल तां इह जिहड़ी ध्यान रखण वाली गल हैगी है। गर्मी दे विच दरअसल की हुंदा है, सर जदों गर्मी लगदी है कई बार सिर दर्द होण लग जांदा है, अखां दे विच जलन होण लग जांदी है, ठीक है, साढ़े सिर घूमन भी लग जाता कई बार, और लत्तां भी थकन लग जांदियां ने, सब तो चलिया नहीं जाता है, पेट अपसैट हो जाता है, डायरिया भी हो जाता कई बार, ज़्यादा गर्मी नाल भुख लगनों भी हट जाती है। कई तरह दी गर्मी दी सिम्पटम हैगियां जे कई बार जिवें अजकल डस्ट का मौसम है, गर्मी करके डस्ट ज़्यादा उड़ती है, क्योंकि सर्दी के डस्ट डेंस हो जाती है, जिवें बर्फ सर्दी करके जमती है, एवें गर्द भी थले जम जाती है, गर्मी के जी गर्द उपर आती है, उस करके अंदर चली जाती है, वो करके सह की ट्रबल भी गर्मी के ज़्यादा बढ़ जाती है ना। कई तरह दल है, सन स्ट्रोक हो जाती है, ये सारिया चीज़ा गर्मी करके होंगे। डॉक्टर साहब, अगर किसी को लू लग जाती है तो उसके लिए कैसे उससे मतलब बचा जा सकता है, या उसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि उसको लू लग गई है, कैसे पता चलता है? लू जब लगती है, एक तो ये होता है कि सिर चकराने लगता है, एक ये पिछला जो भाग है हमारे शरीर का, इसमें दर्द ज़्यादा होने लग जाता है। दूसरा, उसकी आँखों में थोड़ा प्रेशर आने लग जाता है। तीसरा, उसका हाजमा अपसेट हो जाता है, ठीक है, और उसको चला नहीं जाता, उसको घबराहट भी होती है, और गर्मी ज़्यादा फील होती है, गर्मी में देखने को उसका दिल नहीं करता। ये लू लगने की जो है अलामतें हैं। अगर लू लग जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, एक तो लू में सबसे बढ़िया जो आपने सुना होगा कि मूंगी की दाल, धोई हुई दाल का सूप बनाकर पिए, ये इसकी तासीर ठंडी होती है, ये कभी ना भूलें। और एक दाल होती है अरहर की दाल, आपने सुना होगा, ये भी गर्मी के लिए बहुत यूज़फुल है, इसका भी हम काढ़ा बनाकर उसको दे सकते हैं। और उसके आगे गर्मी के लिए एक इमली आलू बुखारा, इसको पानी में हंगाल कर मैश करके उसको थोड़ा मीठा और थोड़ा नमक डालकर वो गर्मी के लिए दे सकते हैं, मगर लीवर के लिए भी देते हैं, उसमें थोड़ा नमक नहीं डालते, ठीक है। और उसके बाद अगर पहली बात सच जो है कि अगर गर्मी लू लग जाए तो सर में दबाकर पानी डालो, ठीक है, और पानी की कमी रहने दो। और दूसरा, उसको नींबू दे सकते हैं, नींबू में आप थोड़ा जीरा हल्का सा, थोड़ा सेंधा नमक, उसमें काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और उसमें हल्का सा पाउडर जो सूंठ का, जिसको हम अदरक कहते हैं, ढाई अदरक का वो डालकर वो दो, उससे हट जाता है, और थोड़ी देर जो गर्मी की लू का पेशेंट है उसको रेस्ट करने दो, ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे गर्मी में हम बाहर निकलते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे सन स्ट्रोक भी हो जाता है कई बार, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ये सन स्ट्रोक लू को ही कहते हैं, जैन सन स्ट्रोक जो हेड पे होता है, ये एक ही मिलती जुलती दो ही चीज़ें हैं, ये आपस में इनके लिए यही है। और दूसरा ये है कि अपना सर ढक कर रखो और ठंडी जगह रहने की कोशिश करो, सीधा धूप में ना जाओ, और कोशिश करो 12 से लेकर 3, 3:30 बजे तक, स्पेशली 12:30 से लेकर 3:30, 4 बजे तक गर्मी ज़्यादा होती है, उस वक्त थोड़ा कहीं छायादार में, अगर खेत में काम करते हो, अगर घर में हो तो किसी बिल्डिंग में बैठकर थोड़ा रेस्ट कर लें, और उसके बाद जो ठंडी हो तब वो काम कर लें, धूप में काम कम करें अगर गर्मी ज़्यादा है तो, उसका बचा रखें। और गर्मी में उसको बचने के लिए हमारे पास सीजन के फल फ्रूट बहुत होते हैं, सब्जियां बहुत होती है गर्मी के लिए, देखिए घिया है, देख कुदरत की कमाल देखिए कि गर्मी में हमारे में गर्मी लगती तभी है जब पानी की कमी होती है, मगर भगवान की खेल देखिए कि उसने गर्मी में पानी, जितने भी फ्रूट हैं, जितनी भी वेजिटेबल है, वो पानी बारी ही हमारे लिए पैदा की है। देखिए अब घिया है, तोरी है, खरबूजा है, पपीता है, तरबूज है, जितने भी हैं, कद्दू है, पेठा है, जितने उसके आगे आम है,
जितने भी हमारे लिए फल फ्रूट बनाए हैं कुदरत ने, वो पानी वाले ही बनाए हैं। और गर्मी के लिए आम का पन्ना जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। आम को वो रोस्ट करके, जब अगर तो आम को हम कच्चा खाएंगे खट्टे को, फिर तो गर्म होगा वो। अगर उसको हम गर्म उसको आग में पका कर फिर उसको छील कर उसका हम पन्ना बनाएंगे, फिर उसका तसीर ठंडा हो जाता वो उस करने से। जैसे दूध है, दूध को अगर गर्म पियेंगे उसका तसीर गर्म है, अगर ठंडा पियेंगे तो ठंडा है। और गर्मी के लिए और सबसे बढ़िया जो चीज़ है, एक कतीरा गूंद है, आपने सुना होगा। कतीरा गूंद दरअसल सबसे ज़्यादा इधर ईरान, इराक, अफगानिस्तान के ऊपर होती है। ये एक बुश होती है छोटी, बुश के नीचे 5-6 सेंटीमीटर नीचे खद्दा खोद लेते हैं, उसकी जो जड़ें हैं उनके उनको कट लगाते हैं, उससे एक फ्लूइड निकलता है। जो फ्लूइड वो निकलता है वो जम जाता है, वो गूंद कतीरा होती है। वो गूंद कतीरा इतनी तस्वीर की ठंडी है, गर्मी के किसी भी रोग में उसको दे दिया जाए उसका रिजल्ट 100% आता है। गूंद कतीरा को यूज़ करने का मेथड है एक, वो गूंद कतीरा को लो, उसका थोड़ा सा अगर इतना आप एक गिलास पानी में डाल देते हैं तो पूरा गिलास भर जाता है, इतना फूल जाती है। गूंद कतीरा को पानी में भेदो, भेने के बाद उसको सुबह निकालो या शाम को बेकर सुबह निकालो, सुबह बेकर शाम को निकालो, उसको कुछ देर पहले भेना पड़ता है, 2 दिन पहले भी भेज सकते हैं हम उसको, ठंडी जगह रखो। उसके बाद गूंद कतीरा को अगर मिट्टी के बर्तन में भेते हैं तो बहुत ही कमाल है, फिर गूंद कतीरा की तस्वीर जो है 5 गुना बढ़ जाती है। उसको गूंद कतीरा में आप क्या कर सकते हैं, उसमें गुलाब के फूल, सुच्चे गुलाब के फूल, वो जो ग्राफ्टेड गुलाब है वो नहीं डालना, वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये जो है न्याजबो है, न्याजबो के 20 जिसे चिया सीड्स बोलते हैं हम लोग आजकल, वो डाल सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा हल्का सा रगड़ा हुआ धनिया डाल सकते हैं, उसको डालो, उसमें थोड़ा खांड डालो, उसको अच्छी तरह मिलाओ, उसके बाद उसमें दूध डालो, दूध डालकर उसको ठंडा करके उसको पियो। वो गर्मी मेरे ख्याल गर्मी गर्मी अगर पीते रहते हैं गर्मी कभी नहीं लगती। और गर्मी से जो वजह से जो नक्सीर भी टूटती है, नाक में कान खून भी आता है, वो भी रुक जाता है। गूंद कतीरा तो गर्मी के लिए एक तोहफा है। और गर्मी में छाछ है, लस्सी है, लस्सी पीते रहो, ठीक है, पानी खूब पियो। पानी की कमी के कारण गर्मी में बहुत नुकसान हो जाता है, किडनी का नुकसान हो जाता है हमारा, बोन्स का नुकसान हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो फ्लूइड कम होता है, फ्लूइड कम होने से ही यूरिक एसिड बढ़ता है, उसी से ही किडनी ख़राब होती है, उसी से ही बीपी बढ़ जाता है। इसलिए जब जैसे जैसे फ्लूइड कम होता रहेगा हमें गर्मी का अटैक होता रहेगा। गर्मी में स्वेटिंग होने की वजह से मीठा और सॉल्ट ये स्वेट होकर बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी में कभी कभी थोड़ा मीठा और सॉल्ट जरूर लेते रहो ताकि गर्मी का इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम रहे, और ठंडी जगह में रेस्ट करते रहो। और जो काम करना है उसको सुबह उठकर जल्दी करो, 12-12:30 बजे तक तो आप 12 अपना काम हो जाए, उसके बाद 4 बजे के बाद काम करो, वो 4 घंटे जो गर्मी का प्रकोप है वो भी टल जाएगा और उससे आप बच भी जाएंगे गर्मी से। सबसे बड़ा ध्यान ये है डॉक्टर साहब, गर्मी में डस्ट भी बहुत उड़ती है, तो डस्ट की वजह से भी कई रोग होने लगते हैं, जैसे सांस फूलता है करता है जी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा। दरअसल जो गर्मी में डस्ट की वजह से सांस फूलता है, पहली बात तो ये है कि जिन जगह डस्ट है उस जगह आप कोशिश करो कोई मलमल का कपड़ा अपने ये मुंह पे बांध लो, उसे बांधने से डस्ट अंदर नहीं जाएगी, नाक पे बांध लो, क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, वो ब्रीक होना चाहिए। खास करके कोशिश करें वो कपड़ा गिला हो, अगर कपड़ा गिला है तो डस्ट बाहर रुक जाती है, 100% जो है हवा पुनकर जाती है। और दूसरी, और नाक और मुंह से हवा ज़्यादा गर्म भी नहीं जाती और इफ़ेक्ट भी नहीं करती, क्योंकि जितनी गर्मी का प्रकोप बॉडी के अंदर जाएगा उतना ही लंग्स में वो जो जितनी डस्ट जाएगी वो फैलेगी और सांस की प्रॉब्लम करेगी। अगर किसी वजह से वो लंग्स में प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आप ये कर सकते हैं, एक सुहागा है उसकी खिल बना लो, उसमें 1 ग्राम सुहागा उसको शहद के साथ लो, शहद के साथ जब सुहागे की खिल को बनाकर उसका पाउडर लेते हैं तो जो एकदम सांस जो फूला हुआ है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर फिर भी सांस ट्रबल कर रहा है तो टेम्परेरी तौर पे भीमसेनी कपूर होता है, वो कपूर का एक टुकड़ा लो, उसको एक डिब्बी में डाल लो, डिब्बी में डालकर उसको अच्छी तरह हिलाओ, उसको 2-3 बार उसका ब्रीदिंग करो, उससे एकदम ठीक हो जाता है। और दूसरी, आप चाय बनाकर पी सकते हैं, काली ब्लैक टी, ग्रीन टी नहीं, गर्मी में अब जब भी पीनी है, क्योंकि जो चाय है, एक मैं आपकी जानकारी लेके बताता हूँ, लोग कम लोग इनको ध्यान करते होंगे,
चाय की तसीर ठंडी होती है, कॉफ़ी की तसीर गर्म होती है, इसलिए चाय को गर्मी में कभी कभाए अगर खास करके डस्ट है तो ज़रूर पी लें। चाय पीने से और वो पाउडर लेने से शहद के साथ वो सांस की बीमारी गर्मी में होती ही नहीं, ज़्यादा बड़े चक्कर में फंसना नहीं, और बहुत दवाइयाँ हैं मगर उसकी ज़रूरत नहीं होती जी। सब गर्मी में इन्फेक्शन भी बहुत होता है, तो उन इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, उन इन्फेक्शन से बचने के लिए दरअसल आप ठीक कहते हैं कि गर्मी में अगर ऐसा है जो भोजन है या खाने वाली चीज़ें हैं इनमें जल्दी इनमें बैक्टीरिया वायरस जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि गर्मी में हर चीज़ फास्ट ग्रो करती है। मैं आपको कहा भी है ना कि हर चीज़ बाहर निकलना चाहती है, जैसे मैं कहा कि चूहे भी बिल्लियों के आगे भागते हैं खड्डों से निकल करके, क्योंकि उनको गर्मी लगती है अंदर, हर चीज़ को गर्मी। कॉकरोच देखिए, छिपकलियाँ देखिए, हर चीज़ आपको सांप देखिए, हर चीज़ गर्मी में बाहर आएगी। ऐसी बीमारियाँ भी गर्मी में अनाज में खाने में जल्दी ग्रो करके बाहर आती है, ठीक है। इसलिए गर्मी में इन चीज़ों को जब बीमारियाँ आती है, बीमारियों से बचने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। सबसे बढ़िया बात यह है कि गर्मी में नींबू पीना कभी ना भूलें। नींबू जो है वो स्टोमिक को ठीक रखता है, ब्लड प्योरीफाई है और बीमारियों को ठीक करता है। और दूसरा उसके साथ आप बहुत चीज़ें हो रहा है जो गर्मी में ले सकते हैं, थोड़ा अदरक है, ठीक है, अदरक में थोड़ा धनिया डालकर, काली मिर्ची डालकर, छोटा सा लौंग डालकर, थोड़ी दालचीनी डालकर इनको अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद उस थोड़ा गुलाब डालें, उबालने के बाद इसमें फिर इसको बाहर थले उतार लें, उतार कर इसको पुन लें, इसमें थोड़ा शहद डालें, इतना गुलाब जल डालें, गुलाब का पानी मिलता है आजकल, वो डालें पी लें, बीमारी ठीक हो जाती है। और ज़्यादा गर्मी लगे तो चंदन का पानी भी पी सकते हैं आप। बल्कि कितनी ही चीज़ें हैं गर्मी में ठीक रखने के लिए, अगर आप गर्मी को का ध्यान रखते हैं तो ध्यान रखने से ही गर्मी ठीक हो जाती है। क्योंकि गर्मी में जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब इसकी दवाई हैं। पपीता खा सकते हैं, पपीता बहुत बीमारियों को जड़ से नष्ट कर देता है। गर्मी वाली को जितनी गर्मी वाली बीमारी है, दरअसल गर्मी में दो चीज़ें ज़्यादा होती है, एक डायरिया होता है सबसे बढ़िया जो प्रॉब्लम है, एक सांस चढ़ जाता है डस्ट से, दो चीज़ों का पूरा ध्यान रखो, तीसरा पानी की कमी हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए जब डायरिया होता है, डायरिया के लिए एक चीज़ का ध्यान रखें, डायरिया में सबसे बढ़िया चीज़ है दही। दही जो पेट में जितने कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनको दही जल्दी ख़त्म कर देता है और शुद्ध कर देता है। दही खाना गर्मी में कभी ना भूले, छाछ पीनी कभी ना भूले, नींबू पानी पीना कभी ना भूले अगर पेट अपसेट है, ठीक है। अगर डायरिया है तो थोड़ा केला डालो, दही डालो, उसमें थोड़ा नमक डालो, है ना, हल्का सा मीठा डालो, उसको उसका वो क्या होता है वो शेक बनाओ, पी लो, वो दो तीन बार पीने से डायरिया भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर, गर्मी में सनबर्न भी बहुत होता है, हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, गर्मी में सनबर्न बाकी बहुत होता है, उसके लिए ऐसा है, पहली कोशिश तो ये हो कि गर्मी में आपने जब जहाँ भी जाना है आप कोई भी चीज़ जो है शेड वाली अपने हेड पर लगा कर चलो, ताकि वो फेस को कवर करती रहे, सीधा वो सन की रोशनी ना आए। अगर फिर भी आपके पास कोई ऐसी बात है तो आप कोशिश करें गर्मी में कोकोनट ऑयल जो होता है इसका तस्वीर ठंडा होता है, कोकोनट ऑयल को आप चेहरे पे लगाकर बाहर निकलें। और उसके बाद ये जो है अब हमारे पास एक घी कुंवार है, इसको थोड़ा गुलाब जल लेकर इसके इसकी उसमें जेल में डालो, उसको अच्छी तरह रगड़ो, उसको चेहरे में लगाओ, एक तो तस्वीर ठंडी रहेगी, एक गर्मी में बर्निंग नहीं होगी, आँखों में बर्निंग नहीं होगी, कभी आपको सन बर्निंग होगी ही नहीं। ये बहुत सिंपल नुस्खे हैं। जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्रीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं, हज़ारों किस्म की क्रीम में हज़ारों किस्म की दवाइयाँ हैं, वो ठीक भी नहीं करती, पैसा भी वेस्ट करते हैं, उलझ भी जाते हैं। बहुत सिंपल ढंग है, वो घरों में ही हमारे पास इसके इलाज हैं। गर्मी के लिए एक बात और भी है, आजकल हमारे घरों के पास इधर बाज़ारों में पहले तो नहीं होता था, नारियल पानी आ रहा है, वो बहुत ही यूज़फुल है। एक बार आप नारियल पानी पीते हैं तो उसमें गर्मी के बचने के लिए सारे एंजाइम, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स उसमें हैं, एक बार उसको पीते रहें। मगर वो थोड़ा महंगा है, इसलिए गरीब आदमी की वो अप्रोच से दूर है, इसलिए मेरा उनके लिए सजेशन ये है कि उसकी जगह आप पतली छाछ पी लो,
अगर फजली छाछ नहीं तो कच्चे दूध की लस्सी पी लो, नमक डालकर, थोड़ा मीठा डालकर। अगर वो नहीं, कहीं से नींबू मिलता वो पी लो, वो आम का पन्ना पी लो। मतलब बहुत चीज़ें हैं जो गर्मी में हम सोखा लाल करके पी सकते हैं, मगर इस पर कंसंट्रेट मत करो कि गर्मी में हमने या ये नारियल पानी ही पीना है या जाकर सकंजमी ही पीनी है। और गर्मी में एक और सबसे बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि काली गाजर होती है उसकी कांजी बन जाती है आजकल, वो कांजी इतनी मुफीद है, सबसे ही बढ़िया है वो। वो गर्मी को, लू को, सनस्ट्रोक को जड़ से ही निकाल देती है और पेट में कितनी ही बीमारी हो उसको भी साफ कर देती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। कांजी बनाने के लिए काली गाजर होती है, वो आप देखिए अगर 20 लीटर अगर आपने कांजी बनानी हो तो आपको सिर्फ 3 किलो काली गाजर चाहिए। काली गाजर 20 रुपये किलो मिल जाती है, 60 रुपये की है। उसमें उसको छिलकर उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसमें थोड़ी काली मिर्ची, थोड़ी लौंग पाइपर जिसे मग कहते हैं, ये काला नमक थोड़ा, सेंधा नमक, समंदरी नमक थोड़ा, हल्का सा नसादर, ठीक है, उसमें जीरा, ये सारी चीज़ें डालकर उसमें एक पटोकरी बनकर किसी घड़े में डालकर रख दो। उसको दिन में धूप में रखो, फिर छाया में, फिर धूप में छाया में 4-5 दिन रखने के बाद उसमें फिर 2 दिन पहले जब पीना शुरू करना है उसमें एक वो इमली होती है, आपको पता होगा, इमली डाल दो। इमली को अच्छी तरह हाथ से हिलाकर उसको भी 2-3 दिन अंदर बाहर जब रखेंगे तो 7 दिन में कांजी तैयार हो जाएगी। दबाकर पिए और सारी सर्दी गर्मी में, गर्मी पास आती ही नहीं और सबसे सस्ती है, और मेरे ख्याल में लगभग आप मिनरल वाटर लेने चाहते हैं, ये 1 लीटर होता है 20-20 रुपए का मिलता है गंदी बोतलों में, और वो उसका उसको फ़ायदा कोई नहीं है। अगर हम कांजी बनाएं, कांजी 5 रुपए लीटर बनती है और गर्मी का बचाव भी है और ताकतवर भी है और एनर्जी भी देती है, बीमारियों से भी बचाती है, ब्लड को प्योरीफाई भी करती है, इसलिए कांजी बना लेनी चाहिए, गर्मी में बहुत यूज़फुल है। तो डॉक्टर साहब ने हमें गर्मी से बचने के बहुत सारे उपाय बताए हैं, इन्हें अपनाएं और गर्मी से बचें ज़रूर। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।